चलिए आज की इस क्लास में मैं आपको बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। आपने ऑपरेटर्स पढ़े हुए हैं। ऑपरेटर्स से नॉर्मली हम ऑपरेशंस करते हैं ऑन व्हाट, ऑन ऑपरेंड्स, बट आज हम बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात करेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म द बिटवाइज कैलकुलेशन ऑन इंटीजर्स। The integers are first converted. The integers are first converted into the binary, and then operations are performed on bit by bit. आपको यहां पर ये important बात समझनी है। दो बातें इसमें बोल दी गई कि सबसे पहले तो जो number होता है, number वह basically binary में convert होता है। पहले नंबर तो ये समझना कि बिटवाइज ऑपरेशन होते ही इंटीजर पर हैं, हालांकि बुलियन वैल्यूज पर भी होंगे, बट बुलियन को इंटरनली वन और जीरो ही समझा जाता है। और जो ऑपरेशंस फिर होता होगा वो बिटवाइज बिट पर होता है, हेंस द नेम बिटवाइज ऑपरेटर्स। देन द रिजल्ट इज रिटर्न्ड, देन द रिजल्ट इज रिटर्न्ड इन द डेसिमल फॉर्मेट। और जो रिजल्ट फिर रिटर्न होता है आंसर, डेसिमल का मतलब जिसका बेस 10 होता है, जिसका बेस क्या होगा, 10 होगा। इसे एक बार आप प्रैक्टिकली करके देखें, बट इसके साथ कुछ और रूल्स बढ़ा देता हूं। दीज ऑपरेटर्स आर एप्लीकेबल ओनली फॉर व्हाट इंटीजर एंड बुलियन डेटा टाइप्स। बाई मिस्टेक इफ वी आर ट्राइंग टू अप्लाई फॉर एनी अदर टाइप देन वी विल गेट द एरर। By mistake, if we are trying to apply for any other type, then we will get what? Error. जैसे आपने अगर दशमलव टाइप की वैल्यूज पर अगर बिटवाइज ऑपरेटर लगा दिया तो गारंटीड वहां पर टाइप एरर आती है। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं, आप तो कहेंगे इसे ये तो सर मुझे एंड जैसा लग रहा है लॉजिकल एंड। नो, जो लॉजिकल एंड होता है उसके अंदर दो एम परसेंट के साइन होते हैं, बट यहां पर एक है, इसे बिटवाइज एंड ऑपरेटर कहते हैं। मैं इसके बारे में एक एक करके आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए, जैसे हमने 4 और 5 के ऊपर बिटवाइज एंड लगा दिया, हमने ऐसे ही यहां पर ये समझना पड़ेगा अगर दशमलव टाइप की वैल्यूज के साथ अगर ये चीज लगाई तो यहां पर ये टाइप एरर आ रही है। आप तो ये समझने की कोशिश करें कि हम यहां पर नंबर्स पर वर्क कर रहे हैं। किस पर वर्क कर रहे हैं बेटा? नंबर्स पर। यहां पर आपने नोटिस किया होगा ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रू एंड ट्रू। ये बुलियन टाइप की वैल्यू है, वैलिड है। आंसर क्या आएगा इसमें आपको जाना ही नहीं है अभी। इंपॉर्टेंट इज किसके साथ ये यूज होगा और किसके साथ यूज नहीं होगा। तो मोटे तौर पर आप बस इतनी बात समझ लो, मोटे तौर पर आप इतना समझ लीजिए कि यह इंटीजर के साथ और बुलियन वैल्यूज के साथ, किसके साथ? बुलियन वैल्यूज के साथ ही यह यूज होता है। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलेंगे। वैसे मैं इससे भी बेहतर आपको यहां समझा देता हूं। बिटवाइज एंड ऑपरेटर थोड़ा टफ होता है, मतलब कठोर होता है ये कहूंगा। अगर दोनों तरफ अगर 1 होता है तो ही आंसर 1 आएगा भाई। जब दोनों तरफ 1 होता है तभी आंसर 1 आएगा। अगर किसी भी तरफ अगर कोई भी 0 वगैरह हुआ तो आंसर इस केस में क्या देगा? वो फॉल्स देगा। आंसर ऐसे केस में क्या देगा बेटा? वो फॉल्स देगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, इफ बोथ बिट्स आर 1 देन ओनली रिजल्ट इज व्हाट? 1, अदरवाइज रिजल्ट इज व्हाट? 0, अदरवाइज रिजल्ट इज व्हाट? 0। दोनों तरफ 1-1 होना चाहिए, बट ये थोड़ा सा नरम है। अगर किसी भी तरफ अगर 1 होता है, किसी भी तरफ अगर 1 होता है तो भी आंसर फिर ट्रू आता है। इफ एटलीस्ट 1 बिट इज 1 देन रिजल्ट इज 1।
इसे हम एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं, ये वाली जो चीज होती है, ये ट्रू जब देता है जब दोनों तरफ वैल्यू डिफरेंट होती है। अगर दोनों तरफ वैल्यू अगर सेम हुई तो आंसर फिर फॉल्स आएगा। इफ बिट्स आर डिफरेंट, इफ बिट्स आर डिफरेंट देन ओनली रिजल्ट इज वन, अदरवाइज रिजल्ट इज व्हाट, जीरो। ये मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है, ये आप बस इतना समझ लो, इंसर्ट जीरो का वन कर देता है और वन का जीरो कर देता है। ये दो शिफ्ट ऑपरेटर हैं, ये दो शिफ्ट ऑपरेटर है, यहां पर ये गलत हो गया है, लेफ्ट शिफ्ट ना होकर ये राइट शिफ्ट होगा, और ये लेफ्ट की तरफ है तो ये लेफ्ट शिफ्ट होगा। आपको जब मैं इन्हें डेप्थ में बताऊंगा तो चीजें आपको और समझ में आने लगेंगी। तो अभी आज की क्लास में आपको क्या पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आखिर में हमारे जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं वो कौन से होते हैं जो बिट्स के ऊपर काम करें। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है भाई कि ए की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू 5 है। जैसे मैं यहां ये लिख दूं 7 और 5, तो आपको सबसे पहले इस नंबर का बाइनरी निकालना है। बड़ा सरल है बाइनरी निकालना भाई, आप यहां पे ऐसे नंबर लिख लो, 1 से शुरू करो, इसका इनटू करते जाओ, 1 into 2, 2 into 2 कितना होता है, 1 into 1 हो गया, 1 into 2, 2 into 2 कितना होता है, 4। अब 2 का करते जाइए बस, आप बाइनरी है ना, 1 into 2 2 हो गया, 2 into 2 4 हो गया, 4 into 2 कितना होता है, 8 होता है, 8 into 2 कितना होता है, 16, 16 into 2 कितना होता है, 32, और 32 into 2 कितना होता है, 64, 64 into 2 कितना होता है बताइए, 128। ऐसे करते चले जाइए, आपको तो 7 का बाइनरी निकालना है ना। तो जिस किसी के योग से, जिस किसी भी चीज के योग से 7 बन रहा हो, जिस किसी के योग से क्या बन रहा हो बेटा, 7 बन रहा हो, 7, उसके नीचे 1 1 लगा दो, 4 2 6 और 1 7, देखो 3 1 1 आ गए, और 5 किससे बन रहा है भाई, 4 ये वाली चीज और 1 ये, और जो बचे हुए होते हैं उनके नीचे, बचे हुए जो होते हैं उनके नीचे हम 0 लगा देते हैं। तो भाई साहब अब इनके बीच में बिटवाइज और ऑपरेटर का यूज किया है तो बड़ा नरम दिल है, यही तो आंसर है। देखो 1 1 1 होता है, 1 0, क्योंकि बिटवाइज और ऑपरेटर है तो वो नरम दिल का है, यहां भी 1 हो गया और 1 1 तो 1 होगा ही होगा। तो किस किस नीच, किस किस वैल्यू के नीचे 1 1 आया है, इट इज बिलो 1 2 4, उसको जोड़िए, आंसर इसका कितना आएगा भाई साहब, 7। बिटवाइज और ऑपरेटर हमेशा इंटीजर वैल्यूज पर काम करता है, परंतु पहले उन इंटीजर वैल्यूज को, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है और बिट बाई बिट उसके ऊपर ऑपरेशंस करने होते हैं। आप देखिए 7 का बाइनरी ये है, बिटवाइज एंड देखिए, अब ये कठोर दिल कैसे हो गया भाई, मैं एंड को कठोर क्यों बोलता हूं कि देखो 1 0 यहां पर क्या आंसर आ रहा, 0। आपको फिर ये तो समझ रहे होंगे 1 2 4 8, इससे ही काम हो रहा होगा आपका। तो भाई 1 0 1, तो 1 0 1, तो यहां पर आंसर कितना हो गया, 5। ये हमारा एक्सक्लूसिव और कहते हैं, इसे एग्जोर भी कहते हैं, कई सारी बुक्स में ये एक्सक्लूसिव और होता है। इसमें आंसर ट्रू जब आता है जब दोनों तरफ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, और सेम वैल्यू होंगी तो फॉल्स आंसर आएगा। देखो जैसे 1 1 1 1 में आंसर यहां पर क्या आ रहा है, 0। 1 0 में आंसर क्या आ रहा है, देखो 1,
यहां पे देखिए 11 फिर क्या आ रहा, 0। अगर आपकी जगह में होता तो मुझे इतना समझ में आता XOR में कि जब हमारे पास दोनों तरफ सेम बिट होता है, सेम बिट, जब हमारे पास दोनों तरफ क्या होता है, सेम बिट होता है, तो आंसर इस केस में फिर फॉल्स आता है। ट्रू कहां पर आएगा भैया, जब दोनों तरफ अलग अलग तरह की बिट हमारे पास होंगी। थोड़ा सा आगे चलना चाहूंगा मैं, इसके ऊपर एक डेमो है, मैं आपसे उम्मीद करूंगा इसका आंसर बताने की। तो कुछ बच्चे बहुत आंसर बताते हैं, उन्हें आप एक बार प्लीज देख लीजिए कैसे कैसे करेंगे भैया इनको हम। हाउ वी डू इट, इसका मुझे आंसर बताइए। कुछ बच्चे इसमें सीनियर हैं, जैसे आश्रुति हैं, अमीशा हैं, अमित है, हर्षा, राइट। आप प्लीज मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ओके, आंसर तो इसके सामने ही दे रखा है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 6, और बाई की वैल्यू क्या है, 2। ये बिटवाइज ऑपरेटर सीख रहे हैं। कुछ बच्चे लेट आए हैं, ये गलत बात है आपकी। आप फिल्म भी समझ में नहीं आती भाई, अगर आप बीच में से देखते हैं तो गुंडा क्यों पिट रहा है पता नहीं लगता कि उसने क्या गड़बड़ की है शुरुआत में। तो आपको सबसे पहले तो 6 का बाइनरी निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको बाइनरी निकालने का तरीका बता देता हूं। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128, ये मैंने कुछ चीजें लिखी। अब आपसे मैं कहूंगा कि आप मुझे 6 का बाइनरी निकाल के दिखाइए कि 6 का बाइनरी क्या होगा। तो भाई साहब, जिस जिस से 6 बन रहा हो उसके नीचे तो 1, और जो बच गए वहां पर आपको क्या लगा देना है, 0। अब 2 का आप बाइनरी निकालिए तो 2 का बाइनरी तो यही होगा भाई, और जो बच गए वहां पर क्या लगा दीजिए आप, 0 लगा दीजिए, ऐसे करके दिस इज ऑल 0। अब देखिए यहां पर एंड ऑपरेटर का यूज किया, तो अगर आप यहां पर एंड लगाएंगे तो 0 0 0 होगा, 1 1 1 होगा, और 1 0 भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसका आंसर कैसे पता लगा, ये वाला जो 1 है वो किसके नीचे, कौन से नंबर के नीचे है, तो ये यहां पर किसके नीचे, 2 के नीचे, तो इसका आंसर आएगा एंड वाले का 2। तो यहां पर 2 ही तो दे रखा है। बट अगर आप इसकी जगह पर, इसकी जगह पर अगर आप यहां पर ये बिटवाइज और ऑपरेटर का यूज करते, बिटवाइज और का, तो 0 0 तो 0 होता भाई, 1 1 क्या होता, 1, बट ये नरम दिल होता है, ये मेरा 1 0 है भाई, तो यहां पर आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब ये 1 1 किसके नीचे, देखो 4 के नीचे और 2 के नीचे, तो बिटवाइज और ऑपरेटर के केस में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6, वही मैंने यहां पे लिख रखा है। बट मान के चलिए आपने इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, और फिर से पहले तो 6 और 2 का कैसे निकालते हैं, 1 2 4 8 16, तो 6 का ऐसे बन रहा है भाई, 4 और 2 6 से, जो बच गए उनके नीचे हमने क्या लगा दिया, 0। और 2 किससे बन रहा है, इससे, ये वाली चीज लगा दी, यहां पर 0 लिख दिया, ये सारे जीरोज हैं, दीज ऑल आर जीरोज, ये सारी चीजें क्या है हमारी, 0 है। सो इसको समझ लो, एग्जोर को, एग्जोर को सेम जगह पर 0 आता है, सेम जगह पर 0 आएगा, तो 1 0 यहीं पर ट्रू आएगा बस, तो इसका आंसर 4 हो रहा है ना। अब जो बच्चे रेगुलर होंगे और बिल्कुल क्लास को मेरे साथ से कंटिन्यू करते हैं, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि बिटवाइज ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर भैया, बिटवाइज ऑपरेटर हमेशा एक तो इंटीजर पे काम कर रहा है, और उसकी अप्रोच क्या होती है, उसकी जो अप्रोच होती है वो ये होती है,
कि इंटीजर वैल्यू इंटरनली पहले बाइनरी में कन्वर्ट होती है, बाइनरी में, और उसके बाद उस बाइनरी के ऊपर ये ऑपरेटर हमारा काम करता है। आपसे एक चीज तो पूछी जा सकती है भाई, अगर आपको ये कहानी समझ में आ रही है तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुझे 15 का एक बाइनरी नंबर निकाल के बताइए, मुझे इस 15 का क्या निकाल के बताना है, बाइनरी नंबर, बाइनरी बताइए आप इसका बाइनरी कैसे निकाल सकते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज द बाइनरी ऑफ इट। मैं कुछ बच्चों के आंसर्स देखना पसंद करूंगा, ऋषि, प्रतीक्षा, ओके। मैं सिंपली ये बता रहा हूं, इन बच्चों ने आंसर दिया है अभी तक, ऋषि ने आंसर दिया है, प्रतीक्षा ने आंसर दिया है, अमीशा हैज गिवन द आंसर, ग्रेट अमीशा, यू आर लेट टुडे। सो एक कुमार गौरव का आंसर थोड़ा डिफरेंट है, चलिए इतने आंसर पहले देख ही लेते हैं, क्यों ना इसे करके देख लें। सबसे पहले तो आप वो फिगर लिख लीजिए, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, इतने से ही काम हो जाएगा। अब 15 काय से बन रहा है, 16 तो ये 16 तो इसमें यूज ही नहीं होगा भाई, 16 तो इसमें यूज ही नहीं होगा। तो 8 और 4, 12, 12 और 2, 14 और 1, 15, तो यहां पर जिससे 15 बन रहा है, जिससे 15 बन रहा है उसके नीचे, उसके नीचे हमने 1 लगा दिया है, 1, उसके नीचे मैंने क्या लगा दिया है बेटा, 1। तो 4 बार 1 वाले ज्यादा सही हैं। कुमार गौरव आपका आंसर गलत था, ये अमित ने पहले 5 1 बता दिए हैं। तो डेसिमल का बाइनरी में निकालना आपको मेरी समझ में सीखना आना चाहिए था। ये बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट ये उल्टा कर देता है, जहां जहां जीरो होंगी, जहां जहां क्या होंगी बेटा, जीरो होंगी, जीरो वहां तो हो जाएगा 1, वहां क्या हो जाएगा, 1, और जहां जहां 1 होगा, 1 जहां जहां 1 होगा वहां पर हम क्या कर देंगे भाई, वहां पर हम कर देंगे 0। और मैं तो आपसे ये कहूंगा, वी हैव टू अप्लाई द कॉम्प्लीमेंट फॉर द टोटल बिट्स। जैसे ये टिल्ड का साइन होता है, इसे कई सारी बुक्स में मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी सुना है, इसका आंसर ये आएगा भाई। और मैं इसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं, बस तुम इतना समझ लो, तुम इसमें बस इतना समझ लो कि जहां कहीं 1 बिट होगी उसको कन्वर्ट कर देगा 0 में, और जहां कहीं भी 0 होगी उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, ये 1 में। मान के चलिए आपने किसी का एक बाइनरी नंबर निकाला, वो ये है, मान के चलिए। तो अगर आपको मैथ की जानकारी, जो कि मुझे बहुत कम है, उसमें 2 बिट होती है, एक होती है LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और एक टर्म होता है MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जो MSB होती है ना, MSB यानी कि ये वाला जो डिजिट है हमारा, वह बेसिकली आपको साइन बताता है, वह बेसिकली आपको क्या बताता होगा भैया, आपको वह साइन बताता होगा कि एग्जैक्टली ये चीज क्या है। तो कह रहा, देखिए आप, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एक्ट एज अ साइन बिट। 0 का मतलब पॉजिटिव होता है और 1 का मतलब नेगेटिव होता है। अब ये मतलब सर, कहीं पे आप 0 का मतलब फॉल्स बताते हैं, 1 का मतलब आप ट्रू बताते हैं, सेम कॉन्सेप्ट इज हियर, सेम कॉन्सेप्ट इज हियर, बहुत जगह जगह का फर्क है। यहां पर मैंने बोला 0 का मतलब पॉजिटिव और 1 का मतलब नेगेटिव है। तो मैं ये बताना चाहूंगा
कि पॉजिटिव नंबर्स विल बी रिप्रेजेंटेड, पॉजिटिव नंबर्स विल बी रिप्रेजेंटेड डायरेक्टली इन द मेमोरी, वेयर एज नेगेटिव नंबर्स विल बी रिप्रेजेंटेड इनडायरेक्टली टूज कॉम्प्लीमेंट होता है, उल्टा हो जाता है। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है बट फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि इन पाइथन वन ऑपरेटर विच इज नोन एज अ बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, इसे टिल्डे के साइन से बता दें, इसे टिल्ड कहते हैं, ये नेगेटिव वैल्यूज को यहां पर बस जहां वन होगा उसका जीरो और जहां जीरो होगा उसका क्या करता है, वन कर देता है। इंपॉर्टेंट इज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो शिफ्ट ऑपरेटर है। ये दो तरह के होते हैं भैया, यह है दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते होंगे आश्रुति? ये वाला जो होता है बेटा इसको हम कौन सा ऑपरेटर कहते हैं बताएं, विच इज नोन एज द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और जो ये वाला होता है उसे राइट शिफ्ट कहते हैं। इसको मैं आपको एक बार समझाते हुए चलता हूं। चलिए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, इसको स्टेप बाय स्टेप करके देखें। जैसे 10, तो पहले 10 का बाइनरी निकालना सीखिए आप। बाइनरी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1, 2, 4, 8, 16, इतने से काम हो जाएगा हमारा। तो 10 काय से बन रहा है, 8 से और 2 से, तो उनके नीचे तो लगा दिया 1, 1, और यहां पे क्या लगा दिया 0। नॉर्मली 8 बिट तक लिख लिया करो इन्हें, 1, 0 यहां लगा ली, 0, 0 एंड सो ऑन। अब होता क्या होगा पता है तुम्हें, होता क्या होगा, ये लेफ्ट शिफ्ट है ना। शिफ्ट का मतलब अगर मैं आपको इसकी प्रॉपर हिंदी बताऊं, प्रॉपर हिंदी, तो शिफ्ट का मतलब होता खिसकना। तो दो शिफ्ट, ये दो बिट शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। तो यानी कि जो जीरो है, ये वाली जीरो, मैं कोई दूसरा कलर लेके आ जाता हूं, जो ये जीरो है वो तो आ गया होगा इस जगह पे, इस वाली जगह पे, और जो ये वाला जो वन होगा, ये वाला, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये वाला जो वन होगा वो हमारा कौन सी जगह पे आ जाएगा बेटा, इस जगह पे। और भाई से जो खाली जगह रहेगी वहां पर क्या आ जाता, जीरो। अब भाई साहब आपको ये भी पता है नॉर्मली कि आगे से जीरो लगती है वो तो वैल्यू को इंक्रीज करेंगी ना। अब मेरे पास भाई 1 रुपया है, कोई आगे से 2 जीरो लगा दे उसमें, मेरे पास मान के चलिए 1 रुपया है और आगे से कोई उसमें अगर 2 जीरो लगा दे, मान के चलिए 2 जीरो, तो वो तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी ना भाई। अब आपको यही तो कहना चाह रहा हूं कि ये वाला जीरो यहां आ गया, ये वाला वन यहां आ गया, ये वाली जीरो यहां आ गई होगी और ये वाला वन यहां आ गया होगा। तो आप सोच रहे हैं ये तो किसके नीचे होगा, 32 के, 32 और 8 कितना हो गया 40। भाई 1, 1, 1, 1 किसके नीचे, एक तो 32 के नीचे और एक 8 के नीचे। लेफ्ट शिफ्ट में ऐसे आ जाती है ना चीज। और आप इस रामायण को छोड़ो यार, लेफ्ट शिफ्ट में इंटू लगता है, तो आप क्या करना, 10 इंटू, लेफ्ट शिफ्ट हटाओ और इंटू लगा दो, base 2, 2 की पावर 2, जो यहां पर होता है उसे पावर में ले लेते हैं, एक्सपोनेंट में। तो 2 की पावर 2 4 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 इंटू 4, और आंसर क्या आ गया, 40। तो मेरी समझ में इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं थी, आप तो बस इतना समझ लो कि लेफ्ट शिफ्ट के अंदर इंटू होता है, लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, इंटू। अब ये हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, दिस इज नोन एज व्हाट, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। और जहां राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है ना वहां पर डिवीजन होता है, क्या होता होगा बेटा, डिवीजन। जैसे 10 राइट शिफ्ट, देखो आगे की वैल्यू हट गई, जो हट गई तो वो इधर खिसकेगा, आप उसमें जाओ ही मत। 10 राइट शिफ्ट है ना, डिवीजन 2 की पावर 2, इसका मतलब हुआ भाई 10 डिवाइड बाई 4। अब यहां पर गणित की नॉलेज मत लगा देना, भाग कितनी बार जा रहा है, डिवाइड कर रहे हैं 2 बार ना, तो आंसर इज टू। जब ये आगे से हट जाएगा तो आप देखो ये वाला आंसर हो गया ना, ये खिसक के आ गई इधर, ये 1 पे होगा, ये 2 पे होगा,
ये 4 पे होगा, ये 8 पे होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसमें से दो शब्द पकड़ता कि मेरे टीचर ने लेफ्ट शिफ्ट के केस में मुझे मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया है और राइट शिफ्ट के केस में मुझे वो डिवीजन की बात कर रहे हैं। ये लाइन नोट वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया कि इन द केस ऑफ द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, इन द केस ऑफ द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर वी डू द मल्टीप्लीकेशन, वेयर एज इन द केस ऑफ द राइट शिफ्ट ऑपरेटर, वी डू द डिवीजन। जो राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है उसके केस में हम डिवीजन करते। सो आपकी नॉलेज को मैं एक बार टेस्ट करना चाहूंगा, हाउ वी डू इट, कैसे ये होता होगा, राइट? शिफ्ट डेम, हम एडिट प्लस में आए, दिस डेमो इज फॉर व्हाट, शिफ्ट ऑपरेटर। अब देखिए ये 15 है, 15, और उसको राइट शिफ्ट किया कैसे, 2 से, जहां राइट शिफ्ट होगी डियर वहां पे डिवीजन होगा, तो 15 को हमने डिवाइड किया 2 की पावर 2 से, तो 15 को डिवाइड कितने से कर रहे, 4 से, तो आंसर कितना आया होगा, 3। ऐसे ही इसको देखिए आप, 15 को लेफ्ट शिफ्ट है ना, इनटू 2 की पावर 2, तो डायरेक्ट लिख देता हूं 4, और इसका आंसर कितना आएगा, 60। तो एक आंसर आ रहा होगा 3 और एक आ रहा होगा 60। लेट्स चेक किसने दिया है आंसर। ये ऋषि, अगेन यू आर रॉन्ग, 2 की पावर 2 हुआ ना, 2 की पावर 2 तो 4 होता है, 15 × 4 कितना होता है, 60। एक बार करके देख लो, सेव एज, हम डेमोज में आए और इस चीज को हमने सेव करा दिया। हम कमांड प्रॉम्प्ट आए, py शिफ्ट डेमो, देखिए 3 आ रहा है और दूसरी जगह पे क्या आ रहा है, 60। मैं फिर से आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाहता हूं, यहां पर रेंडमली मैंने लिख दिया 25, यहां पे कर दिया 3, यहां पे कर दिया मैंने 25 और यहां पर कर दिया 3। व्हाट इज द आंसर, सेपरेट दीजिए आंसर, बिल्कुल। अमीशा, 2 आंसर आएंगे बेटा, ओके देख लेते हैं एक बार। 25 राइट शिफ्ट है ना, तो डिवीजन होगा 2 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या होगा, 25 डिवाइड बाई 2 × 4 × 8, तो इसका तो आंसर आएगा 3। 25 25 को जब डिवाइड करेंगे 8 से, तो इतना आ रहा होगा। और एक अगर मैं इसकी बात करूं, 25 लेफ्ट शिफ्ट बाई 3, लेफ्ट शिफ्ट बाई 3, इसका मतलब क्या है भाई, 25 × 8 ना, तो उसका आंसर कितना होता है, 200। तो क्या आप इतना नहीं समझ सकते कि लेफ्ट शिफ्ट जहां पर है वहां पर हम एक शब्द यूज करते हैं विच इज नोन एज द मल्टीप्लीकेशन, और जो राइट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट वो होता है डिवीजन। आप इस पे मत जाइए, हमें 10 को छोड़ ही दो आप, राइट शिफ्ट में डिवीजन 3, तो ऋषि का आंसर 3, यस 200, ऋषि वॉज करेक्ट, अमीशा यू आर रॉन्ग। अरे बेटा ये 2 की पावर 3 होगा ना, तो 2 × 4 × 8, तो 25 का जब 8 से होगा तो कितना आता है,
200 आप लोगों को घर पे जाके फिर से एक बार इस पे चिंतन करना पड़ेगा। आपको दो लाइन समझनी है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में मल्टीप्लीकेशन होता है और राइट शिफ्ट ऑपरेटर के अंदर हम डिवीजन करते हैं। चाहो तो एक बार चला के देख लीजिए, देखिए रन कराया क्या आंसर आ रहा है। देखो 3 और दूसरी जगह पर क्या आंसर है भाई साहब, 200। एक जगह पर क्या है 3 और दूसरी जगह पर क्या आ रहा है बेटा 200। उम्मीद करूंगा ये बात आपको शायद समझ में आई होगी, राइट। थोड़ा और आगे चलते हैं। चलिए एक ऑपरेटर होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, इसमें दो शब्द होते हैं भैया, एक शब्द होता है इज और एक होता है इज नॉट। ये बस ये चेक करता है कि दो वैल्यू या वेरिएबल, दो वैल्यू, मैं अपने आप को रिपीट करूंगा, दो वैल्यू या वेरिएबल एक ही जगह को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दो वैल्यू या वेरिएबल एक ही जगह को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। सो देखते हैं एक बार। जैसे मैंने कहा इंट एक्स इज इक्वल टू 5, इसका मतलब समझ, ये सी सी की बात कर रहा है। सी में तो ऐसे होता है एक्स बना इसमें 5 रख गया और ये इसका एड्रेस है। ऐसे आपने बाई बनाया उसमें भी 5 रख दिया, ये इसका एड्रेस है। दोनों अलग अलग जगह पर है। ये दोनों ही कैसी जगह पर है, अलग अलग जगह पर है। बट अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप यही काम अगर पाइथन में कर रहे होते, एवरी वेरिएबल इन पाइथन इज ऑब्जेक्ट, हर चीज वहां तो रेफरेंस टाइप की होती है। आप इस मुद्दे की बात पर आइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि x इज इक्वल टू 5 तो x उस 5 को पॉइंट कर रहा होगा। ये उन बच्चों को हो सकता है थोड़ी तकलीफ दे जिन बच्चों ने शुरू से क्लास अटेंड नहीं किए, बट मैंने आज एक क्लास डाल दी है उस कोर्स में, आप देखना। मैंने व्हाट इज पाइथन का प्रॉपर एक वीडियो बनाकर डाला है। यू वुड फील द डिफरेंस इन द रिकॉर्डेड क्लासेस और ये लाइव क्लास जो है उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा। आप उन्हें देखना, एक तो वो छोटी छोटी क्लासेस होती हैं, ये माना जाता है कि 2 मिनट से लेके और 12 मिनट तक अब वीडियो ज्यादा समझ में आता है, तो वो 8 मिनट का वीडियो है एक, आप प्लीज उसे देखें। ये चीजें मैं बना दूंगा वहां पर। तो यहां पर पॉइंटर की तरह बिहेव होता है पाइथन में। जैसे मैंने कहा एक्स इज इक्वल टू 5, तो एक्स इस जगह को पॉइंट कर रहा है भाई, जहां पर 5 रख गया। ऐसे बाई इज इक्वल टू 5, तो बाई भी इसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो भाई साहब एक डबल इक्वल ऑपरेटर होता है। क्या एक्स की वैल्यू 5 के बराबर है? हाँ है। ये इज नाम का एक ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है बेटा? इज। इसी को हम आइडेंटिटी ऑपरेटर कहते हैं। तो एक्स इज बाई का मतलब होता है क्या एक्स और बाई एक ही जगह को पॉइंट कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो यहां पर आंसर क्या आ रहा है भाई साहब हमारा? ट्रू। बट अगर आप 1.2 के केस में, इसका मतलब ये दूसरा केस हो गया, अगर आपकी बाई की वैल्यू तो क्या एक्स और बाई, जो एक्स और बाई है, क्या वो सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं? नो। देखिए वैल्यूज की तो बात ही नहीं हो रही है। पहले नंबर तो डबल इक्वल में तो वैल्यू ही चेक कर रहा है, तो 5 और 6 तो बराबर नहीं होते, फॉल्स आ गया। ये इज ऑपरेटर हमेशा एड्रेस की बात करता है। एड्रेस भी तो अलग है ना इनका। आपको बेहतर तरीके से यहां समझ में आएगा, ये 5 और ये 5.0 है। देखिए वैल्यूज आर सेम, वैल्यूज हमारी सेम हैं, परंतु डेटा टाइप तो अलग है। तो इन्होंने देखो अलग अलग जगह ली। तो मैं आपसे ये बताऊंगा, जो डबल इक्वल ऑपरेटर होता है,
वो तो कंपैरिजन करता है वैल्यूज का. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन. ये क्या कंपेयर कर रहा होगा भाई? कंपेयर वैल्यूज. परंतु जो इज ऑपरेटर होता है इज, वो एड्रेस कंपेयर करता है. तो वैल्यूज तो 5 और 5.0 इज ओके. बट मैंने यहां पर क्या कहा, एक्स इज बाई. क्या एक्स और बाई एक ही जगह को पॉइंट कर रहे हैं? क्या एक्स और बाई जो हैं वो एक ही जगह को पॉइंट कर रहे हैं? तो उसका जवाब है नो, नहीं कर रहे. ये दोनों ही चीजें अलग अलग है. ये दोनों ही चीजें क्या हैं? अलग अलग है. सो यहां पर फॉल्स आ रहा है. तो क्या मैं आपको इसमें यह समझा पा रहा हूं कि डबल इक्वल ऑपरेटर जो होता है, दिस वन, ये तो वैल्यूज को कंपेयर करता है भाई. किससे कंपेयर कर रहा होगा? वैल्यूज को. और जो इज ऑपरेटर होता है, इज ऑपरेटर, वो ये देखता है कि ये वेरिएबल जो है वह है, सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सो आपको और भी चीजें मैं यहां पर बता देता हूं. जैसे एक्स वन, ये इसी से मिलती जुलती चीज है. दिस वन, एक्स वन ने इस जगह को पॉइंट किया. एक्स टू में ये है, बाई वन में ये है और बाई टू में ये है. अब देखो एक्स वन और बाई वन बराबर है क्या? यस. देखो वेलकम टू इन्फोमेटिक्स और वेलकम टू इन्फोमेटिक्स, दोनों एक ही जगह को पॉइंट कर रहे होंगे. देखो आंसर उसका ट्रू है. क्या एक्स वन और बाई वन बराबर नहीं है? इज और इज नॉट तो जस्ट अपोजिट हो गए ना भाई. जब एक्स वन और बाई वन बराबर हैं तो एक्स वन और बाई वन बराबर, अरे एक जब ट्रू है तो इज नॉट उसका फॉल्स होगा. मैंने कहा एक्स वन और बाई टू बराबर नहीं है. एक्स वन में क्या है? वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स. और बाई टू में क्या? 1, 2, 3, 4. और ये बराबर नहीं है. तो जब किसी की नामे ना मिलाते हो तो वो भी ट्रू होता है. क्या एक्स वन और एक्स टू बराबर है? बिल्कुल नहीं है. एक्स वन में क्या पढ़ा है? वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स. और एक्स टू में हमारा क्या पढ़ा हुआ है बेटा? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. 1, 2, 3, 4. तो मैं तो सिंपल आपको यहां पर ये समझाना चाहता था कि जो एक्स वन है और एक्स टू है, इसके केस में ये दोनों बिल्कुल बराबर नहीं है. तो यहां पर आंसर क्या दे रहा है? वो फॉल्स. सारी बातें छोड़ दो. आइडेंटिटी ऑपरेटर ये देखता है कि वेरिएबल सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो एक क्वेश्चन यहां पर बन सकता है. क्या क्वेश्चन है? देखिए भैया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इज ऑपरेटर एंड डबल इक्वल टू ऑपरेटर? तो वी कैन यूज इज ऑपरेटर फॉर एड्रेस कंपैरिजन, वेयर एज डबल इक्वल ऑपरेटर फॉर द कंटेंट कंपैरिजन. डबल इक्वल ऑपरेटर कंपेयर द वैल्यूज. एक ही बात को कई सारे तरीके से कह सकते हैं. वेयर एज इज ऑपरेटर कंपेयर व्हाट? एड्रेसेस. तो आज मैंने बहुत सारे ऑपरेटर्स आपको बताए. इनमें से बिटवाइज ऑपरेटर वॉज वेरी मच गुड. उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर भी बिटवाइज ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है. और एक कौन सा ऑपरेटर बताया मैंने? आइडेंटिटी ऑपरेटर. अगली क्लास में मैं आपको मेंबरशिप ऑपरेटर, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या होती है, ऐसी कुछ कहानियां और इसमें बताऊंगा. आज के लिए इतना ही रखेंगे. थैंक यू सो मच.